हेटर्स को दिख रहा है नहीं दिख रहा, हेटर्स के लिए बैग रेडी हो रही है। गुड न्यूज ये है कि इम्प्रूवमेंट सबसे जल्दी और सबसे जल्दी चेंज हो रही है, बैक हो रही है, लेकिन बाद में दिखाऊंगा। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बॉडी अपडेट दूंगा पूरी। ऑल राइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो गाइस, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत सारी अपडेट्स आ रही है और इस वीडियो के अंदर इंडियन बॉडी बिल्डर्स के बारे में भाई बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। एंड फ्रेंड्स, आप लोग बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहां पर भी अपडेट्स और पॉडकास्ट। तो चलिए भाई, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत ही करते हैं हम लोग नितिन चंदीला की अपडेट के साथ। और भाई, अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर जो है अपडेट डालते हैं और उसका कैप्शन के अंदर लिखते हैं आज ही की डेट डाल देते हैं, यानी कि 4th May 2023, यानी कि रिसेंट अपडेट है ये। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये वाली अपडेट देखने के बाद कि डिसेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब डिसेंट शेप इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई। ये नहीं कि भाई कि मतलब बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भाई मतलब एकदम ही आउट ऑफ शेप नजर आ रहे हैं, मतलब डिसेंट शेप के अंदर ये नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी इनकी कटिंग वगैरह चालू है और ये प्रेप मोड के अंदर आ चुके हैं। और इस अपडेट के अंदर दोस्तों हम लोगों को बताते हैं कि ये 5 हफ्ते आउट है, यानी कि 5 वीक्स आउट है। मतलब अभी आप लोग लगा के चल लो कि अब मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ द जून के अंदर ये उसी के आसपास ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अभी या तो ये गोवा के अंदर जो IBBF का जो ट्रायल्स होने वाले उसकी सिलेक्शन के अंदर ये खड़े होंगे, या फिर उसी के साथ वैसे शेरू क्लासिक भी बहुत नजदीक आने वाला है। लेकिन यार, शेरू क्लासिक बहुत ही कम्पिटेटिव होने वाला है और अभी तो पता ही है कि IBBF वाले शोज के अंदर कम्पीट करते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी शेरू क्लासिक ये आने वाले सालों के अंदर कम्पीट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये इनका कुछ अलग सीन नजर आ रहा है। लेकिन हाँ भाई, गोल तो इनका ओलंपिया होगा ही होगा, बाकी देखते ही आगे क्या करते हैं। और अपडेट कैसी लग रही है भाई कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी अगली अपडेट और अगले एथलीट के ऊपर बात करते हैं, जिनका नाम है इंडियन रॉक। और लास्ट वीडियो के अंदर भाई मैंने थोड़ा इनको क्रिटिसाइज कर दिया था हमारे इंडियन रॉक को, और मैंने बताया था कि इनका जो है मिड सेक्शन वाली साइड से ज्यादा हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे, और उसके बाद मैंने मसल वाइज बताया था कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था। लेकिन भाई इस अपडेट के अंदर इंडियन रॉक हम लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि भाई मैं डेली प्रो शो के अंदर अपना बेस्ट वर्जन लेकर आने वाला हूं, साथ ही साथ मैं अपनी पोजिंग को और ज्यादा बढ़िया लेकर आऊंगा। भाई मतलब भाई हम लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बारी जो इंडियन रॉक है इस बारी कुछ बढ़िया करने वाले हैं, और अच्छी उम्मीद है भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एथलीट के बारे में, जिनका नाम है राहुल फिटनेस। और भाई हम लोगों को अपनी करंट फिजिक अपडेट, आप लोग कह सकते हो कि भाई काइंड ऑफ करंट फिजिक अपडेट है, हम लोग को अपनी फिजिक की झलक ही दिखाते हैं इस अपडेट के अंदर। और उसके बाद हम लोगों को लाइव वीडियो के अंदर बता दें कि भाई अब कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि अब थोड़े ही टाइम के बाद हम लोग को अपनी पूरी फिजिक अपडेट ये शो कर देंगे, जो कि डेली प्रो शो की तैयारी कर रहे हैं। और रिसेंटली भाई जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जिस कारण की वजह से जो है अपनी अपडेट्स वगैरह हम लोगों को ठीक से दे नहीं पा रहे थे। लेकिन भाई अब जो है फुल फोर्स के साथ ही अपनी प्रेप कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ही टाइम के अंदर ही हम लोग को अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखा देंगे। और भाई जो भी अपडेट आएगी इनकी तरफ से वो तो आप लोगों को पता है कि चैनल पर आ ही जाएगी। और वैसे तो भाई तूफान से आने वाले जो पहले की जो शांति होती है, तो वो वाला टाइम लग रहा है इनकी तरफ से। खैर भाई, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को पता आई जाएगी चैनल पे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे अगले एथलीट के बारे में, जिनका नाम है मनोज सरंगापानी भाई। और अभी रिसेंटली जो है हम लोगों को अपनी क्लासिक फिजिक की जो है रिसेंट फोटोज दिखाते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये वाली इनकी करंट फिजिक अपडेट है। और आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे नजर आ रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट फ्यू वीक से काफी ज्यादा लीन नजर आ रहे हैं, एंड लैट्स एंड क्वाड्स में इन्होंने टिश्यू ऐड करा, वो तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस अपडेट्स में भी बताया था और मेंशन करी थी वाली चीज। एंड इस बार ये डिटेल्ड मिड सेक्शन और अपना जो है कंडीशनिंग को और ज्यादा डाइल्ड इन करके आएंगे, तो भाई ये डेफिनेटली डेंजरस एथलीट होने वाले हैं। अभी करंट वेट के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, बट इन्होंने भाई काफी ज्यादा गेन कर लिया इस वाले ऑफ सीजन के अंदर। और आप लोग कह सकते हो कि भाई ये 212 और बॉडी बिल्डिंग में भी स्विच कर सकते हैं इन फ्यूचर, और फुल पोटेंशियल है भाई। अगर ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये अंधा साइज लेकर आना चाहते हैं, तो ये ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी जो है फ्यूचर के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। और डेफिनेटली भाई क्लासिक फिजिक में तो वेट कैप होता ही है, तो देखते हैं भाई कैसा ये आगे इनके प्लान होते हैं कम्पीट करने के लिए। और वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मनोज भाई को ओपन बॉडी बिल्डिंग में देखना चाहोगे कम्पीट करते हुए, या फिर 212 डिवीजन के अंदर देखना चाहोगे भाई, या फिर आप लोगों को लगता है कि वो क्लासिक में जो कम्पीट कर रहे हैं उन्हीं के लिए वही बेटर डिवीजन है? अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स भाई कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिलाल अली के बारे में भाई, और उनकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। अभी यार ये वाली फोटो है जो आप लोग ऑफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते, काइंड ऑफ एक जो है फोटो वो स्टेज वाली फोटो है ओलंपिया की, और उसके साथ जो है चेकिंस वाली फोटो है, जो कि वो 8 डेज आउट है पिट्सबर्ग प्रो के लिए। और भाई या तो मैं गलत देख रहा हूँ, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस फोटो के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नोटिस नहीं हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई, अभी बिलाल अली इतने बड़े एथलीट है और ज्यादा चेंजेस नहीं शो कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जो बिलाल अली की पहली वाली फोटो थी उसके अंदर जो है लाइटिंग का जो था इशू नजर आ रहा था, उसके अंदर लाइटिंग इतनी अच्छी तरीके से मसल्स को हाईलाइट नहीं कर रही थी। वहीं पर अगर मैं दूसरी फोटो के बारे में बात करूँ, तो वहां पर जो है
है अच्छी तरीके से जो है उनके लैट्स जो है खासकर लोअर लैट्स वहां पर अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं और नजर आ रहे हैं हम लोगों को अच्छी तरीके से। तो भाई आप लोग कह सकते हो कि यार फोटोज इतनी अच्छी तरीके से जस्टिस नहीं करती एथलीट्स की प्रोग्रेस वगैरह को दिखाने में। और उसके बाद हम लोगों को बिलाल अली अपना डेथ फेस भी शो करते हैं एंड नो डाउट गाइस ही इज लुकिंग श्रेडेड टू द बोन एंड भाई एकदम छिले हुए नजर आ रही है इनकी फिजिक। आप लोग देख सकते हो भाई कि प्रो फिजिक की जगह मैं कहना चाहूंगा कि इनकी फिजिक ओलंपिया फिजिक शो हो रही है। और इस बार भाई क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे लेकिन कितनी बार करते वो तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि कितनी बार ही क्वालिफाई करेंगे। और आप लोग बिलाल अली का जो है मिड सेक्शन देख सकते हो वहां पर जो डिटेलिंग नोटिस हो रही है भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूं। और भाई पिट्सबर्ग प्रो एक काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया शो होने वाला है और उसके अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अंकुश शर्मा हमारे इंडियन बॉडी बिल्डिंग के काफी वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स रह चुके हैं। और दोस्तों मैं इनकी करंट फिजिक अपडेट लेकर आ चुका हूं और हम लोगों को अपनी रीसेंट फिजिक अपडेट अपने इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोगों को दिखाते हैं और अपनी पोस्ट वर्कआउट फिजिक अपडेट शो करते हैं। एंड सबसे पहली नजर तो मेरी जो जाती है वो है दोस्तों इनकी बैक के ऊपर एंड वहां पर जो क्रिसमस ट्री नोटिस हो रहा है। मतलब भाई इतनी जो है एज पर आकर भी जो है अपना जो क्रिसमस ट्री और जो कंडीशनिंग जो इन्होंने मेंटेन करके रखी है भाई वो तो कहना ही पड़ेगा यार, उसके लिए तो सल्यूट है। एंड अभी रूमर्स चल रहे थे कि ये जो है अपना कमबैक करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग स्टेज के ऊपर और भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी अपने नेक्स्ट शो के बारे में इन्होंने हम लोगों को नहीं बताया कि ये कौन से शो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये मास्टर्स कैटेगरी के अंदर होपफुली कम्पीट कर सकते हैं। और अभी भाई जो भी अपडेट्स आएगी इनकी तरफ से ये कौन से शो के अंदर कम्पीट करते हैं वो सारी अपडेट्स और सारा मसाला जानने के लिए भाई स्टे ट्यून्ड। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे एमेच्योर एथलीट्स के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग अपने एमेच्योर एथलीट्स के बारे में बात करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर डिवाइन न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। एंड दोस्तों डिवाइन न्यूट्रिशन इंडिया का फर्स्ट मल्टीनेशनल ब्रांड जो कि यूएसए के अंदर सप्लीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों मैं इनका लेकर आ चुका हूं लाइफ वे जिसके अंदर की आप लोगों को 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जो कि काफी हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो आप लोगों को मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ के अंदर आप लोगों को हेल्प करेगा लेकिन हाँ आप लोगों को अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। और आप लोग ये वाला सप्लीमेंट इंक्लूड करते हो तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, काफी अमेजिंग फ्लेवर्स के अंदर आता है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा divinenutrition.in वहां पर आप लोग जा सकते हो एंड आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो चेकआउट के दौरान जो कि है BI5 और आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की है, क्वालिटी सप्लीमेंट्स पर इन्वेस्ट करो एंड डिवाइन न्यूट्रिशन क्वालिटी सप्लीमेंट्स बनाता है। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे एमेच्योर एथलीट्स के बारे में। भाई सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं युद्धवीर डागर के बारे में जो कि दोस्तों अपनी क्लासिक फिजिक की हम लोगों को अपडेट शो करते हैं। एंड भाई अब तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि भाई जो है वो क्लासिक फिजिक में कम्पीट करेंगे शेरू क्लासिक में। एंड इस अपडेट के अंदर भाई मैं कहना चाहूंगा कि काफी इंप्रेसिव शो हो रहे हैं, खासकर दोस्तों जब भी अपना वैक्यूम वाला पोज करते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से जो है अपना वैक्यूम पोज करके दिखाते हैं। मतलब आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ अपने मिड सेक्शन के ऊपर, कितना ज्यादा कंट्रोल है। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग इनके लैट्स भी देख सकते हो जो कि एकदम विंग्स की तरह बाहर नजर आ रहे हैं, एकदम विंग्स की तरह खुल जाते हैं एंड स्टेज रेडी हो रहे हैं भाई धीरे धीरे करके जो है कंडीशनिंग अपनी शो कर रहे हैं। और अब देखो भाई सिर्फ 6 हफ्ते रह चुके हैं शेरू क्लासिक के लिए और कैसा जलवा करते हैं स्टेज के ऊपर भाई इनका तो देखना पड़ेगा। और ये वैसे डेब्यू करने वाले शेरू क्लासिक में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अभिषेक यादव के बारे में भाई जो कि अब मेंस फिजिक में कंपीट करने वाले हैं और रिसेंटली कुछ कमेंट करते अपने यूट्यूब वीडियो पे। एंड अभिषेक हम लोगों को कमेंट करके बताते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा चेंजेस अपनी बैक पर लेकर आने वाले हैं और सबसे ज्यादा इनकी बैक ही रिस्पॉन्ड कर रही है इस वाली प्रेप के दौरान। और भाई जो है वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं लोगों के कमेंट्स सुन के कि भाई लोग इनको कहते रहते हैं कि इनकी बैक बहुत ज्यादा वीक है, इनको अपनी बैक में इंप्रूवमेंट्स लेकर आने चाहिए। तो भाई इस बार अपनी बैक पर इंप्रूवमेंट्स लेकर आने वाले हैं और मतलब भाई इस बार पूरी प्रो फिजिक आने वाली है इस बार अभिषेक यादव की तरफ से इस बार शेरू क्लासिक में। और भाई इस बार पूरा प्लान है कि इस बार पूरी जंग के मैदान में आने का पूरा प्लान है अभिषेक यादव का। और रिसेंटली दोस्तों अपने यूट्यूब वीडियो पर जो है अपने शोल्डर्स भी दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि इस बार अभिषेक के जो अलग से ही नजर आ रहे हैं, एकदम राउंड नजर आ रहे हैं और भाई खतरनाक नजर आ रहे हैं। एंड सही में भाई मैंने इनको इतना ज्यादा हैवी और इतना ज्यादा लीन नहीं देखा इस वक्त पे अपने प्रेप के दौरान पे। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों अब एक साल होने वाला है, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने शेरू क्लासिक दिल्ली में कम्पीट करा था और फिर से जो है शेरू क्लासिक दिल्ली में कम्पीट करने वाले इस साल। तो भाई एक साल के बाद ये स्टेज पर चढ़ने वाले हैं तो भाई कैसे चेंजेस लेकर आते हैं उसके लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। बाकी देखते हैं भाई अभिषेक यादव कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट एथलीट के बारे में बात करते हैं। गाइस सुंदरम काफी ज्यादा कंसिस्टेंट अपडेट्स डाल रहे हैं, मतलब भाई कंसिस्टेंट है अपने अपडेट्स के मामले में और फ्रंट और अपने बैक की अपडेट हम लोग को इस अपडेट के अंदर शो करते हैं। और भाई अब सिर्फ 6 हफ्ते रह चुके हैं और काफी ज्यादा जो है आप लोग कह सकते हो कि सबसे हैवीएस्ट और लीनेस्ट नजर आ रहे हैं। भाई वही कहानी कि अभिषेक भी सबसे ज्यादा हैवीएस्ट और लीनेस्ट नजर आ रहे हैं और सुंदरम भी काफी हैवीएस्ट और लीनेस्ट नजर आ रहे हैं कंडीशनिंग के मामले में। अभी आने वाले टाइम के अंदर जो है और ज्यादा इंप्रेसिव चेंजेस आप लोग इनकी बॉडी पर शो हो जाएंगे जब जो है शो और ज्यादा नजदीक आ जाएगा। तो देखते हैं भाई सुंदरम इस बार कैसा परफॉर्म करता है। इस बार दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट एथलीट के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है रवि पवार और दोस्तों मैं इनकी 6 weeks and 5 days आउट की अपडेट लेकर आ चुका हूं। और अभी भाई इस वक्त पे इनकी जो बॉडी है वो अच्छी कंडीशनिंग के अंदर नोटिस हो रही है, ये सबसे पहली चीज नोटिस होती है। एंड भाई ये एथलीट अपनी तगड़ी कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। एंड भाई कुछ ही टाइम के अंदर जो इनकी पूरी अपर बॉडी
रही है वो पूरी फाइबर से भरी हुई आप लोगों को शो हो जाएगी। एंड जब भी अपना पोज भी करेंगे तब भी आप लोगों को इनके फाइबर जो है शोल्डर और चेस्ट वाली साइड पर नोटिस हो जाएंगे। एंड अभी दोस्तों अभिषेक सुंदरम एंड रवि पवार भाई जो है वो एक ही क्लास के अंदर कम्पीट करने वाले हैं, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग कॉम्पिटिशन का जो लेवल है उसका अंदाजा लगा सकते हो। एंड भाई गोल्ड मेडल कौन लेकर आएगा इन एथलीट्स के बीच में से? भाई प्रो कार्ड तो दूर की बात है, वो तो अलग पड़ाव होने वाला है। तो यहीं से दोस्तों आप लोग कॉम्पिटिशन का जो लेवल है आप लोगों को तो मालूम चल ही गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों उसके बाद हम लोग सीधा बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा मास्टर्स ओलंपिया के बारे में भाई। और दोस्तों उसका प्राइज मनी जो उसकी जो डिवीजन है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले कि अब जो टोटल प्राइज मनी है वो है $2,29,000। यह है दोस्तों प्राइस मनी जो पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा सारी कैटेगरीज में। अभी दोस्तों हम लोगों को देखा जाता है कि जो ओपन बॉडी बिल्डिंग है उसका जो विनर होगा उसको दोस्तों मिलेंगे $20,000, मतलब आप लोग लगभग लगा लो कि 16,30,000 रुपए मिलने वाले हैं। और अगर मैं बाकी डिविजन्स के बारे में बात करूं तो उसके विनर्स को आधी अमाउंट मिलेगी जो $20,000 मिल रहे हैं, मतलब $10,000 मिलने वाले हैं। मतलब भाई आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कम प्राइस मनी मिल रहा है बॉडी बिल्डर्स को मास्टर्स ओलंपिया जो होने वाला है। मतलब भाई डिविजन जो है उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है, मतलब जो कैटेगरीज वगैरह है सारी मेन्स बॉडी बिल्डिंग और जो वुमेन्स की इन्होंने जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो प्राइज मनी है वो और ज्यादा गिर जाता है। अगर अभी भाई मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं जो कि लास्ट मास्टर्स ओलंपिया हुआ था 2012 में, उसका जो प्राइज मनी था जो कि फर्स्ट प्लेसिंग को मिला था ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो था $75,000, यानी कि 60 लाख रुपए। और अभी आप लोग अगर कंपेयर करोगे तो अभी इस बारी मिल रहा है $20,000, तो भाई आप लोग कंपेयर करके देखो यार, मतलब $20,000 और $75,000 में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अभी 10 साल हो चुके हैं इस चीज को, 10 साल के बाद तो प्राइज मनी बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पर तो कम हो रहा है। तो आप लोग कह सकते हो भाई दुख की बात है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है वो पैसा और ज्यादा कम हो रहा है। और यही रीजन है दोस्तों कि मास्टर्स ओलंपिया के अंदर इस बारी ज्यादा बड़े नाम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा बड़े जो रिटायर्ड बॉडी बिल्डर्स है वो कम्पीट नहीं करने वाले, जैसे कि डेक्स्टर जैक्सन हो गए, जे कटलर हो गए और फिलीत हो गए। भाई फिलीत की तो अलग ही कहानी है, वो तो $1 मिलियन की डिमांड कर रहे थे कि उनको $1 मिलियन मिलने चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे तो $20,000 ही बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं। तो यहीं से भाई हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो भाई बिल्कुल भी पैसा नहीं, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर भी। एंड भाई कह सकते हो यार कि डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, बाकी आप लोग क्या थॉट्स हैं यार, आप लोग अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है एरिन बैंक्स और जर्मी ब्रुंडिया की तरफ से भाई। और ओलंपिया अपनी तरफ से एक पोस्टर निकालता है और वहां पे हम लोगों को दिखाता है कि इस बारी जर्मी ब्रुंडिया कम्पीट करेंगे एरिन बैंक्स के साथ, लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि ओलंपिया है तो काफी सारे एथलीट्स के साथ जो है इस बारी जर्मी ब्रुंडिया जो है कम्पीट करने वाले, सिर्फ एरिन बैंक्स नहीं होने वाले मतलब वहां पे। और यहां से दोस्तों ऑफिशियल हो जाता है कि जर्मी ब्रुंडिया कम्पीट तो करने वाले इस बारी ओलंपिया के अंदर, मतलब अपना रिटर्न करने वाले। और इस बारी दोस्तों एरिन बैंक्स को प्रमोट करा जा रहा है और अगर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अगर चैंपियन होते तो उनको प्रमोट करा जाता है जर्मी बुंडिया के अगेंस्ट। अभी भाई मेंस फिजिक की हाइप बनाई जा रही है आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो, और भाई जर्मी बुंडिया होने वाले तो हाइप तो होगी ही होगी क्योंकि भाई 4 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन रह चुके और रिटर्न करने वाले अपना। और वहीं पर दोस्तों इंटरेस्टिंगली दोनों ही बॉडी बिल्डर्स अपनी अपडेट्स डालते हैं और अपनी बैक हम लोगों को शो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जर्मी बुंडिया अपनी बैक की झलक हम लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद एरिन बैंक्स भी अपनी पोस्ट डाल के हम लोगों को बताते हैं कि रियली कांट वेट, मतलब भाई अब तो इंतजार नहीं होता है और रहा नहीं जाता। और देखो भाई जर्मी बुंडिया जो है मेंस फिजिक में एक वक्त पे राज करा करते थे और अभी एरिन बैंक्स का टाइम चल रहा है। और एरिन बैंक्स यार मैं कहूंगा कि बहुत ही लंबी जंप मार चुके हैं मेंस फिजिक के मामले में, मतलब भाई कंपटीशन से वो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। एंड रियलिस्टिकली कहूं तो भाई ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ओनली बॉडी बिल्डर मेरे को लगते हैं, मतलब ओनली एथलीट लगते हैं जो कि रियलिस्टिकली एरिन बैंक्स को चैलेंज कर सकते हैं। एंड जर्मी का कमबैक होने वाला है तो भाई इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है और हाइप तो अपने आप बन चुकी है। बाकी देखते हैं जर्मी बुंडिया अपना कैसा कमबैक करते हैं और क्या वो एरिन बैंक्स को हरा सकते हैं, अगर हरा नहीं सकते तो क्या वो टॉप 3 के अंदर आ सकते हैं, देखना पड़ेगा भाई। बाकी अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोग तो कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी लास्ट अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं जो कि आ रही है कायरन होल्डन की तरफ से। और रिसेंटली दोस्तों हम लोग अपनी करंट फिजिक अपडेट ये शो करते हैं, इसका दोस्तों ये कैप्शन लिखते हैं कि रिसेंट फिजिक अपडेट है इनकी। और कायरन दोस्तों मेंस फिजिक से क्लासिक फिजिक में स्विच करने वाले हैं और इनका पहली बार होने वाला है कि ये मेंस फिजिक से क्लासिक में स्विच करने वाले हैं। और ये दोस्तों इनकी करंट बॉडी की कंडीशनिंग है। एंड यस गाइस क्लासिक की जो लाइंस है वो शो हो रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इनका जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है काफी स्मॉल वेस्ट है और लैट्स काफी इनके जो है वाइड है और अच्छी शेप नोटिस हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी यार देखो क्लासिक में अगर ये कम्पीट करते हैं तो रियलिस्टिकली बोलूं तो इनको साइज ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि मसल वाइज और साइज वाइज और शेप वाइज भी आप लोग कह सकते हो कि इनको टक्कर देने वाले हैं, तो इनको साइज तो ऐड करना ही पड़ेगा। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यार मैं कायरन को मेंस फिजिक में अंदर काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं मैं, बिकॉज यार वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की फिजिक लेकर आया करते थे और इनका जो स्टेज प्रेजेंस था और जो पोजिंग करने का तरीका था और जो मतलब ओवरऑल जो इनका पूरा स्ट्रक्चर था वो मेंस फिजिक के लिए यार मेरे को ज्यादा बेटर लगता था। बाकी देखते हैं यार ये क्लासिक में कैसा परफॉर्म करते हैं। और वैसे क्या आप लोग कायरन को मिस कर रहे हो मेंस फिजिक में,
और बाकी दोस्तों आप लोग अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। और उसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।